Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, aapka pyara school. And today's topic is Daydreams. It's an English Bal Bharati Standard 5 and lesson number 2, Daydreams. Din ke sapne, jo hum khuli aankhon mein dekhte hain, wo wale sapne. तो क्या है ये सपने और क्या है ये कहानी, चलो पढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार कहानी है और दिलचस्प कहानी है, आप भी सुनोगे तो आपको भी अच्छी लगेगी। तो करते हैं इस कहानी को शुरुआत। उससे पहले अब हमारी ई लर्निंग वेबसाइट्स smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट fallinsports.com, मराठी विषय सगळं काही marathirang.com, एंड्रॉइड एजुकेशन गेम एंड क्राफ्ट चैनल, जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक करना। तो करते हैं हमारे वीडियो को शुरुआत। लेसन नंबर 2, डे ड्रीम्स। यह है इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 5। ये है हमारा वो लेसन, डे ड्रीम्स। वंस देयर लिव्ड अ कपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन आइडियल टॉक। एक बार एक परिवार, कपल मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ, तो एक परिवार एक दूसरे में बातें करते वक्त बहुत सारा टाइम बिताते थे। वन डे द हस्बैंड सेड, आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू कीप काउस। वो कहता है कि मुझे हमेशा ये लगता है कि हमें गाय रखने चाहिए। इफ बाई चांस आई गेट सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम समवेयर, I am going to buy a few cows. अगर मुझे कहाँ से कुछ ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो मैं जाके कुछ गाय खरीदी करूँगा। But that means a lot of work. लेकिन उनके लिए बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। You have to feed the cows. आपको cows को खिलाना पड़ेगा, गाय को खिलाना पड़ेगा, उनको लेके जाना पड़ेगा, उनको नहलाना पड़ेगा, उनसे दूध निकालना पड़ेगा, तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। Cows need a lot of looking after. जो गाय है उनको उनकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। वन काउ वुड बी इनफ, तो हमारे लिए एक गाय ही हमारे लिए काफ़ी है। देर इज़ नो नीड टू बाय मोर काउस, तो वहाँ हमें ज़्यादा गाय की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? उसकी वाइफ, उसकी पत्नी कहती है। ओके, इनफ मीन्स काफ़ी और नीड मतलब ज़रूरत है। बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ़ यू बाय मोर, लेकिन सोचो अगर हमने ज़्यादा गाय खरीदी की है तो हमें ज़्यादा दूध भी मिलेगा। सेड द हस्बैंड कहता है, उसका पति कहता है। दैट्स ट्रू, द वाइफ एग्रीड, अभी वाइफ भी सहमत हो गई कि चलो ज़्यादा गाय रहेगा तो हमारे लिए ज़्यादा दूध भी मिलेगा। देयर विल बी सो मच मिल्क दैट वी कैन इवन हैव प्लेंटी ऑफ दही एंड बटर एंड घी, तो इतना सारा दूध होगा तो हमारे लिए बहुत सारा दही मिलेगा, बटर मिलेगा, घी मिलेगा। वुडंट इट बी लवली, क्या ये सब कुछ अच्छा नहीं होगा, प्यारा नहीं होगा। हाउ लकी दैट आई हैव ऑल दिस अदर पॉट्स केप्ट असाइड, कितना खुश नसीब है हम कि हमने उसके लिए है ये अर्दन पॉट्स, जो मिट्टी के घड़े हैं वो बाजू में रखे हैं। आई विल यूज द वन ऑफ पॉट्स फॉर मिल्क, एक पॉट मैं मिल्क के लिए रखूंगी, वन फॉर दही, एक दही के लिए रखूंगी, वन फॉर बटर, एक बटर के लिए, बटर मतलब मक्खन के लिए रखूंगी। द घी आई विल पुट इन अनदर जार, और जो घी है वो मैं अलग बरनी में रखूंगी, अलग जार में रखूंगी। एंड आई विल यूज दिस रिमेनिंग पॉट्स टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर, और जो बचे हुए बाकी के पॉट्स है उसका इस्तेमाल मैं मेरे सिस्टर को, मेरी बहना को भेजने के लिए करूंगी। सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, किसने कहा तुम्हें तुम्हारे सिस्टर को, तुम्हारी बहना को ये मिल्क भेजना है। देर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क, हमारे पास बहुत सारा मिल्क रहेगा। इफ़ यू हैव सो मच मैनी काउज, अगर हमारे पास बहुत सारे गाय रहेंगे, वाई शुडंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर, क्यों ना मैं ये मेरे सिस्टर को भी भेजूँ, ऐसा वो उसकी पत्नी भी कहती। बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, लेकिन हम उसको बाजार में भी बेच सकते हैं। दैट्स वाई आई विल डिसाइड वॉट टू डू विथ ऑल दैट मिल्क, यही मैंने सोचा है कि ये सारा मिल्क जो रहेगा उसका हम क्या करेंगे, बाजार में बेचेंगे। एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ गोज टू योर सिस्टर, और एक भी बूंद तुम्हारे बहना को नहीं जाएगी, रिमेंबर, समझी। आई विल सी हाउ यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग पॉट फुल ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर, मैं देखूंगी कि तुम मुझे किस तरह से रोकते हो ये एक पूरा भरा हुआ मटका मेरे बहना को भेजने से। आई डू ऑल द हार्ड वर्क रनिंग आफ्टर द काउज, सो नेचुरली आई विल डिसाइड वॉट हैपन टू द मिल्क, तो मैं ये सारा काम करूँगा, मैं गाय के पीछे, गाय को नहलाऊँगा, गाय को चारा दूँगा, गाय की देखभाल करूँगा, उनसे दूध निकालूँगा, और तुम ये कैसा कर सकते हो, और तुम ये डिसाइड कैसे कर सकते हो, तुम ये कैसे
तय कर सकते हो कि ये दूध कहाँ पे भेजना है। जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, द वाइफ एक्सक्लेम्ड। तो वो बोलती है कि आप मुझे रोक के दिखाओ, वो जोर से उसके ऊपर चिल्लाती है। कहानी अच्छी है। अभी इस कहानी में एक और इंसान आता है। इज दैट सो, शाउटेड द हस्बैंड, क्या सच में? इसका पति उसे बोलता है, वॉच दिस देन, ही बिगन टू लिफ्ट एंड स्मैश द अर्दन पॉट्स वन बाय वन। और इसे बोलते वक्त वो एक एक करके वो सारे अर्दन पॉट्स को तोड़ने के लिए शुरुआत करता है। हिज वाइफ बिगन टू स्क्रीम, वो उसको रोकने की कोशिश करते है। गोपाल बंद हु वॉज पासिंग बाय हर्ड ऑल द कमोशंस, तो गोपाल भांड करके एक जो आदमी रहता है वो वहाँ से गुजर रहा है, वो उनकी दोनों की बातें ये सुनता है एंड रश्ड इनसाइड, और वो उनके घर के अंदर चला जाता है। व्हेन ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड, जब वो सब सुनता है कि क्या हो गया, ही पिक्ड अप अ स्टाउट स्टिक दैट स्टूड इन अ कॉर्नर एंड बिगन टू स्विश इट थ्रू इन द एयर। तो जैसे ही उसको पता चलता है, वो एक लकड़ी को उठाता है और उसको हवा में स्विश जोर जोर से घुमाने के लिए शुरुआत करता है। बिगन टू स्विश इट थ्रू इन द एयर एंड द पॉन्ड इट ऑन द फ्लोर, और वो जो पॉन्ड जहाँ पे वो फ्लोर पे रहते हैं, वो जो अर्दन के मिट्टी के जो मटके रहते हैं उनके ऊपर। द हस्बैंड एंड वाइफ वेर बोथ अस्टंट टू सी हिज एंटिस्टिक, तो वो दोनों उसके ये मूर्खता भरी हरकत को देखते रहते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी, ये दोनों जो अभी तक दोनों खुद बातें कर रहे थे मूर्खता भरी की। वॉट आर यू डूइंग, अब तुम क्या कर रहे हो, दे इंक्वायर्ड, वो उसकी पूछताछ करने लगे। मूव असाइड सेड गोपाल बैंड, वो बोलता है कि बाजू हो जा, आई हैव अ ड्राइव अवे यूर ग्रीडी काउज, तो मुझे तुम्हारी ये जो लालची गायें हैं मुझे उनको बाजू में करने दो। ग्रीडी काउज, यू हैव लेट देम वॉन्डर्ड एंड नाउ दे हैव रूइंड माई फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकम्बर्स, तो तुम्हारी ये जो गायें इधर उधर घूम रही थी उन्होंने मेरी जो खेत है बीन्स की, मूंगफलियों की, और ये खीरे की, कुकम्बर मीन्स खीरे की, तो ये खेत पूरी तरह से बर्बाद किए, रुंड मतलब नष्ट कर दिए। ओ माई लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकम्बर्स, मेरी ये फली के और खीरे की जो प्यारी सी खेत थी उनको उन्होंने बर्बाद कर दिया। बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकम्बर, तो वो दोनों पति पत्नी क्या बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे तो कोई खेत ही नहीं है, सेड द हस्बैंड। As soon as he said that, the Gopal Bhand stopped the wedding. जैसे उसने ये सुना, गोपाल भंड वो जो छड़ी घुमा रहा था हवा में उसको स्टॉप कर देता है एंड द स्टिक एंड लुक एट हिम बाय रेज्ड आईब्रोज, और वो खड़े होकर उनके पास आँखें ऊँची करके देखता है। आँखें ऊँची करना मतलब ये इसकी जो आईब्रोज रहते हैं उनको ऊपर करके वो देखता है। द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड वॉट ही वॉज ट्राइंग टू टेल देम, और वो पति पत्नी समझ जाते हैं कि उसको क्या कहना था। कैन यू टेल वॉट ही वॉन्टेड टू से, क्या आप बता सकते हो उनको, या गोपाल भंड को उनसे क्या कहना था, तो बता सकते हो बच्चों? हाँ, क्योंकि उन्होंने अभी तक गाय खरीदी भी नहीं थी, उनसे दूध निकाला भी नहीं था, वो दूध उनको कौन से बर्तन में रखना है उसका कुछ आता पता भी नहीं था, फिर भी वो झगड़ा कर रहे थे कि वो उसके पत्नी की जो बहना है उनको वो दूध भेजने के दूध ना भेजे, इसलिए वो झगड़ रहे थे। मतलब जो चीज़ है ही नहीं, उस जो चीज़ अभी तक हुई ही नहीं उसके लिए वो झगड़ रहे थे। तो ये बात उनको समझ में आई कि उसकी जो खेत है ही नहीं वो गाय कैसे खा सकते हैं। तभी उनको पता चला कि उनके पास गाय ही नहीं है, तो उनसे वो जो निकलने वाला दूध है और घी है वो किस कहाँ से आएगा। तो उनको उनकी बातें समझ में आ गई, वो समझ गए कि इसे क्या कहना है, और उन्होंने उनका झगड़ा बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, करेक्ट। तो कहानी अच्छी थी। इस कहानी के ऊपर के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके सारे मीनिंग्स और ये। तो आज के लिए सिर्फ कहानी को समझते हैं और ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसो, खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।